अस्सलाम वालेकुम जनाब, जिस डिवाइस का बहुत ही शिद्दत से इंतजार हो रहा था वो फाइनली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आने वाली है। जी हाँ, पोको F3 GT कमाल का गेमिंग स्मार्टफोन अब फाइनली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी लॉन्च किया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं पोको F3 GT के बारे में, क्या प्राइस होगी, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन निकल कर आएंगी और कब ये डिवाइस जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर तो चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो बात की जाए पोको F3 GT की, तो यार रिसेंटली जो है वो पोको की तरफ से एक टीजर रिलीज किया गया है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि यार ये स्मार्टफोन जो है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत ही जल्दी लॉन्च किया जाएगा। और कोई भी पोको स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च होता है तो साथ ही हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है, उसके जो है वो 3 से 4 दिन के बाद ही पाकिस्तानी मार्केट में आ जाता है। तो ये स्मार्टफोन जो है वो फाइनली पाकिस्तानी मार्केट में भी आएगा। इससे पहले कि आप लोगों को इसकी प्राइस और लॉन्च डेट के हवाले से बताऊं, यहां पर कुछ बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के हवाले से। डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट मिल रहा है जो कि मीडियाटेक का टॉप एंड का चिपसेट है। 6 नैनोमीटर के ऊपर जो है ये फैब्रिकेटेड है। कमाल की हमें जो है वो परफॉर्मेंस मिलने वाली है। प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट का जो है कमाल का चिपसेट निकल कर आता है और मेरे ख्याल से बेहतरीन गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। यहां पर हमें जो है वो ग्रेफाइट एंड VC चैम्बर जो है वो 3D कूलिंग सिस्टम मिल रहा है जिससे ये डिवाइस जो है वो बहुत ही कूल रहने वाली है और गेमिंग में जो है वो बहुत ही कमाल की हेल्प करने वाली है। डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले भी टॉप नॉच किस्म का 6.67 इंचेस का OLED डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 480 की हमें जो है वो टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगा। कमाल का हमें जो है वो डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलने वाला है विद पंच होल डिस्प्ले। बात की जाए अगर स्मार्टफोन की बैटरी की तो यहां पर हमें जो है वो 5000 से ऊपर mAh की बैटरी मिलेगी और 67 वाट का इसके साथ फास्ट चार्जर मिलेगा जो कि 40-45 मिनट के अंदर आपकी बैटरी को फुल चार्ज करके दे देगा। कैमराज की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का यहां पर हमें जो है वो बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसके अंदर हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। फ्रंट के ऊपर हमें जो है वो 16 मेगापिक्सल की जो है वो सेल्फी मिलने वाली है। तो स्पेसिफिकेशन बहुत ही टॉप नॉच किस्म की है, हमें एक बहुत ही कमाल का जो है वो गेमिंग स्मार्टफोन जो है वो पोको की तरफ से मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस की कुछ लॉन्च डेट और प्राइस के हवाले से। ये डिवाइस जो है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर Q3 2021 के अंदर लॉन्च की जाएगी जैसे कि टीजर के अंदर देखा जा सकता है। यानी कि ये डिवाइस हमें 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में कहीं देखने को मिल जाएगी और मेरा ये अंदाजा है कि ये डिवाइस हमें 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में जो है वो यानी फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई में ही हमें जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगी जो कि कमाल की एक चीज निकल कर आती है। इसके बाद अगर इसकी प्राइस के हवाले से बात की जाए तो 350 यूरो जो है वो इसकी ग्लोबल मार्केट के अंदर प्राइस रखी गई है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 65-68,000 निकल कर आती है। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये पाकिस्तानी मार्केट के जो है अंदर जो है वो अंडर 60,000 लॉन्च की जाएगी और ये जो है वो बहुत ही कमाल की और कंफर्म न्यूज निकल कर आ रही है कि ये डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी लॉन्च होगी और जुलाई के फर्स्ट हाफ में ही हमें जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगी। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं यार पोको F3 GT के बारे में। आप लोग कितने एक्साइटेड है मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही उम्मीद है, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दिस इज अफराना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।